संदेश है। अजय सिंह सद्यो वशीकरण चोर्णमनन्त शक्तिं तं राधिका चरणरे प्रणमनो स्मरामि। जय जय श्री राधारमण। जय आज हम लोग यहाँ पर इस सुंदर अवसर पर एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का उदय हुआ कि आज श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हमें यहाँ गोमती मैया का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गोमती मैया का सानिध्य कट है और हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पे एक छोटी सी दो पल की एक कथा है, उसको समझने तो हनुमान जी समझ में आ रहे हैं। एक बार रावण की अशोक वाटिका नष्ट विनष्ट कर दी, तहस नहस कर दी। अब रावण सभा में ले गया श्री हनुमंत लाल को, हनुमान जी को बांध लिया। पूछता है कि तू कौन है, परिचय पूछता है। हनुमान जी सोचते अरे मेरा परिचय पूछता, अरे अब तो राम का परिचय पूछ लेता, पहले रामायण लंका में हो जाती। पर भैया जैसी रावण की मती अब वो ना समझा तो श्री हनुमंत लाल अपना परिचय देते हैं। हनुमंत लाल कहते हैं कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः। कौन हूँ मैं रामचंद्र का दास हूँ। रावण बोला अच्छा तू दास है, हमें लगा कहीं का स्वामी होगा, कहीं का अधिपति होगा। अरे इतनी बड़ी अशोक वाटिका, इतने असुर तूने मार दिए,
तू दास है कहीं का, तू किसी का सेवक है। श्री हनुमान लाल बोले कि भाई तू तो क्रोध का दास, तू लोभ का दास, तू मोह का दास, ऐसे तेरे दस से दस दासों का ही तो स्वरूप है, हम तो अकेले श्री राम के दास है। यही श्री हनुमान लाल का स्वरूप है, पवन तनय संकट हरण। वो पवन पत्र जो सारे संकटों को हर ले, वही तो हनुमंत लाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हृदय में सियाराम जी को विराजमान करे हुए। गोमती का यह पावन तट है। अगर गोमती का अर्थ ले तो गो सम्मति, गो के समान मति हो जाए महाराज। कैसे गो जैसी मति हो? ऐसा क्या है गो में? गो में निर्मलता है, गौ की निर्मल हृदय। गाय ने सदा दिया ही है, अपनी संतान तक दे दी। अब तो महाराज ट्रक वगैरह आ गए, ट्रैक्टर आ गए, पहले के समय बैल ही प्रयोग होता था। तो गाय आपको कोई संतान भी दे देती है, गाय अपना दूध भी दे देती है, गाय का जो गोबर बनता है उसका आप ईंधन बना के प्रयोग कर लेते हो। इसी कारण सनातन धर्म ने गाय को परम पूज्य माना है। आप एक प्राणी से सब लिए जा रहे हो और उसके बाद उसको माता अर्चना भी ना दो, उसके साथ हिंसा करो, क्या ये न्याय है? सनातन धर्म ने इसे स्वीकार नहीं करा। सनातन धर्म ने गौ को सर्वोपरि रखा, उसी गौ पर रीझ कर पूर्ण ब्रह्म सनातन, वही परिपूर्ण भगवान श्री वृंदावन में रमण कर रहे हैं। कैसे रमण कर रहे हैं? गौ दूर दूसरे उस गाय की सेवा करने में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे वो प्रभु हैं, वो परम शक्ति भी उस गौ के प्रति उस निर्मल भाव में रीत चुकी है। क्योंकि राम जी का भाव है निर्मल मन जन सो ही भावा। अगर निर्मलता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ गोमती मैया निर्मलता का ही प्रतीक है, साक्षात गोमती निर्मलता ही है। अगर हमारे हृदय में निर्मलता नहीं तो हमने क्या लिया? गोमती के पास बैठे और यहाँ पर भी अपनी दुनियादारी की बातें करते रहे तो महाराज हमने क्या पाया? यहाँ पर भी हृदय निर्मल ना करा, सनातन धर्म को ना समझा तो क्या कर लिया? गोमती के सन्निधि में बैठे हुए हैं, यहीं पर सनातन धर्म की चर्चा हो सकती है। क्योंकि सनातन धर्म को यदि समझना चाहते हो आपको गोमती बनना पड़ेगा, आपको निर्मल बनना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म समझ में आएगा। ये सनातन धर्म क्या है? सनातन का अर्थ है महाराज शाश्वत, सदा भवती सनातन, जो सदा से है, जिसका कोई आदि नहीं अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं वो अनंत है, वही सनातन है, जो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। ये सनातन का सिद्धांत कहाँ मिलेगा? सनातन धर्म पे चर्चा तो बड़ी कर ली, पर सनातन धर्म है क्या? ये कभी जीवन में जाना ही नहीं, क्या लाभ है भाई? सनातन धर्म का सिद्धांत कहाँ है? वेद प्रणीतो धर्मो ये धर्मस्तद विपर्यया, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा। साक्षात वेदों द्वारा प्रतिपादित करे गए इस धर्म को इस सनातन धर्म कहा गया। उस वेद का ब्रह्मनाद, उस वेद का ओंकार तब भी था जब सृष्टि में कुछ नहीं था, और जब सृष्टि समाप्त होगी तब भी वही सनातन नाद रहेगा, वही सनातन ओंकार रहेगा। ये सनातन धर्म है। जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, सनातन धर्म का भी विस्तार हुआ। मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, भ्रातृधर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, यहाँ सनातन धर्म कितनी ऊंचाइयों को छूता है। यदि कोई अपने आप को पिता कहता है तो कैसे कहेगा? संतान की अगर ध्यान न रखे किस बात का पिता? संतान का पालन पोषण न करे क्या पिता? धर्म रहित पिता हो ही नहीं सकता, धर्म रहित पुत्र नहीं हो सकता, धर्म रहित माता नहीं हो सकती। इसीलिए प्रत्येक संसार का व्यक्ति धर्म युक्त है, धर्म से जुड़ा हुआ है। यदि वो माता है तो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, पिता है तो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, और यदि धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है तो साक्षात अत्याचारी है। क्योंकि जो पिता हो के पिता का कर्तव्य ना निभाए, माता हो के माता का कर्तव्य ना निभाए, पुत्र हो के पुत्र का कर्तव्य ना निभाए, क्या लाभ है? बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौच इंद्रिय निग्रह क्रोधम दशकम धर्म लक्षण, दस लक्षण बताए गए। बड़ी बड़ी संस्कृत में सनातन धर्म की बातें हुई हैं, परंतु गोस्वामी जी कितना सरल कर देते हैं। पर सरस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना।
गोस्वामी जी को अगर कोई पढ़ ले तो मैं तो कहूंगा वेद शास्त्र समस्त पुराण पढ़ लिए, परंतु ये विडंबना है कि हम गोस्वामी जी से भी नहीं जुड़ पा रहे। जो गोस्वामी जी हिंदी में लिखे गए, इतनी सुंदर रामायण प्रकट करके गए, हम उससे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम श्री राम को भी नहीं जान पा रहे हैं, ना कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम बैठे हैं अपने पास और मोबाइल पे लगे पड़े हैं, सारी बातें कर रहे हैं, परंतु जो करना चाहिए वो स्वाध्याय। हम अपने धर्म को खुद ही नहीं जानते। सेवा धर्म सकल जग जाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। हम अपने धर्म को नहीं जानते। सनातन धर्म कैसे सदा सर्वदा के लिए, क्योंकि उसको निभाना पड़ेगा। आपको माता बनना, पिता बनना, तो सनातन धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। अन्यथा माता नहीं हो, अन्यथा पिता नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति देश का कार्य ना करे, देश विरोधी गतिविधियां करे, उसे देश का नागरिक मानेंगे? उसे देश के हित में मानेंगे? देश से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना है। मानव मानव के प्रति दया का भाव ना रखे तो क्या उसे मानव मानेंगे? मानव माना ही नहीं जा सकता। संत का तो स्वभाव ही दया का है, मानव का मूल स्वभाव दया का है। तो ये मानव धर्म है। ऐसे ही धर्म की व्याख्या करी गई है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसको पकड़ना बड़ा कठिन है। परंतु जो सत्य सनातन धर्म है, ये तो विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है और कला से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है तो विषाणु कीटाणु भाग जाते हैं। भगवान की पूजा तो हो गई पर साथ में बैक्टीरिया भी चले गए। यहाँ आरती होती है तो भगवान की तरफ हमारा ध्यान जाता है। आरती करने से मनोवैज्ञानिक रूप से तथ्य है कि आपकी ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे ही सनातन धर्म की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक क्रिया में एक अनूठा विज्ञान छिपा हुआ है। एक छोटा सा संकलन मैं लेके आया हूँ। ऋग्वेद के अंदर शायान ऋषि ने टीका दी है। उस टीका में शायान ऋषि कहते हैं कि प्रकाश की गति 2202 योजन है प्रति अर्ध निमिष। उसको अभी कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज के जो नापने की व्यवस्था है उसमें बदला तो क्या निकला? 189,547 माइल्स प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की गति ऋग्वेद में बताई गई है। और आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है? 186,000, मात्र 3,000 का अंतर है। और 3,000 के अंतर में करोड़ों साल बीत चुके हैं। 3,000 के अंतर में आपके पास टेलीस्कोप है। 3,000 साल के अंतर में आपके पास सारी सैटेलाइट्स हैं। उन्होंने उसके बिना इतना सटीक कहा और विज्ञान कहता है 146,000 अभी तक 86,000 लगभग है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, वहां ऋषि स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। सनातन धर्म के विज्ञान पे अभी चर्चा करें तो यहाँ चर्चा करना तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे सागर में सागर भरना। सनातन धर्म पे तो हमारा 7 दिन की चर्चा चले, 10 दिन की चर्चा चले, 1 महीना की चर्चा चले तो भी कम ही पड़ेगी। इतना बृहद सनातन धर्म है, इतना विशाल सनातन धर्म है, उसकी चर्चा करने का हमें सौभाग्य मिला, उसको अपने हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिला। परंतु हम हिचकते हैं, सनातन धर्म हम समझ नहीं पाते हैं। ये सनातन धर्म मूल रूप से वैज्ञानिक है। यहाँ पहले विज्ञान लगाया जाता है और फिर उसके बाद विश्वास कराया जाता है। ये विज्ञान पे आधारित धर्म है। प्रायः लोगों के मन में एक भ्रांति होती है, भैया सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता क्या कर रहे हैं? भगवान का तो एक ही तत्व है, तो भैया वेद पढ़ लो। एको हम बहु श्याम, वेद कहता है कि मैं एक ही हूँ। परब्रह्म परमात्मा अपने मुख से कह रहा है कि मैं एक ही हूँ, परंतु बहु श्याम अपना विस्तार करा है। वेद के अनुसार भगवान ने अपना विस्तार करा, वही यही सृष्टि हो गई। और विज्ञान में चलिए तो कहते हैं सिंगुलैरिटी थी, उस सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ और उससे सृष्टि प्रकट हो गई। एक वो हम भविष्या विज्ञान में भी लगेगा और सनातन धर्म में भी लगेगा। ये वैदिक धर्म सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म है। एक एक क्रिया
ज्ञान के सारे भगवान क्यों बोले एकम सद विप्रा उदार दंती, वो एक ही है परंतु उनको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग रूपों में देखते हैं। किसी को महाराज वो गणेश जी के रूप में भाते, किसी को वो हनुमंत लाल के रूप में बढ़िया लगते, किसी को राम जी के रूप में अच्छे लगते, किसी को कृष्ण जी के रूप में अच्छे लगते, कोई योगी उन्हें परमात्मा बुलाता है, कोई ब्रह्म ज्ञानी उन्हें ब्रह्म बुलाता है, कोई भक्त उन्हें भगवान बुलाता है। पर तथ्य तो एक ही है भैया, सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति। कितनी बातें हैं, कितनी भ्रांतियां हो चुकी हैं, क्यों हुई, ये भी एक विचारणीय विषय है, क्योंकि हम अपनी शिक्षा से दूर हुए हैं। किसी व्यक्ति से आप कोई जबरदस्ती काम कराइए, एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, तीसरे दिन मना कर देगा, एक साल भी कर ले तो भी उसको ये मजदूरी ही लगेगी, परंतु किसी की मानसिकता परिवर्तित कर दीजिए, फिर उसके बाद वो करता ही रहेगा, वो खुशी से करेगा, तो मानसिकता परिवर्तन का कार्य तो हुआ है। हम अपने सनातन धर्म के विज्ञान को भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से भी हुई, हमने अपनी किताबों को देखना ही बंद कर दिया, ग्रंथ खोलने ही बंद कर दिए, ग्रंथों को सजा कर रखा है अलमारी के अंदर, उनके तत्व को जान ही नहीं रहे हैं। एक ग्रंथ की एक कथा के विभिन्न तत्व हैं, एक ऐतिहासिक तत्व है, एक आध्यात्मिक तत्व है, ऐसे ही वैज्ञानिक तत्व है। अहिल्या अवतार की घटना सबसे सुनी है, माता अहिल्या की कथा तो सुनी होगी आपने, नहीं सुनी महाराज? माता अहिल्या की कथा क्या है, इंद्र आता है, माता अहिल्या को दूषित करने का प्रयास करता है और गौतम ऋषि इंद्र को श्राप दे देते हैं, माता अहिल्या जड़वत हो जाती है और श्री राम की प्रतीक्षा करती है। कितनी आसान सी कथा है, अब इसका विज्ञान देखो। माता अहिल्या है रात्रि, गौतम ऋषि है चंद्र, रात्रि और चंद्र का संयोग हो रहा है, ये रात्रि है और ये चंद्र है, इसको कौन छीनेगा, इसको सूर्य छीनेगा, इस रात्रि का हरण कौन करता है, सूर्य करता है, तो सूर्य जैसे ही उदय होगा रात्रि गायब हो जाएगी। इसी विज्ञान को हमारे ऋषियों ने एक कथा के माध्यम से समझाया, हर तरीके से उसका ऐतिहासिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। जो कथाएं हम सुनते हैं वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वो विज्ञान समझने का साधन है, और यही हमारी चूक है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने आप से दूर जा रहे हैं। बात करते हैं धर्म की रक्षा से, पर हम धर्म को पढ़ पा रहे हैं क्या, धर्म को हम समझ पा रहे हैं, जो उसकी रक्षा करेंगे, धर्मे रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, पर आप धर्म की रक्षा करोगे कैसे, तो उत्तर है धार यति इति धर्मा, यदि आप धारण करना शुरू कर दो, आप खुद सनातनी हो जाओ तो धर्म की स्वतः ही रक्षा हो जाएगी, कोई ऊपर से करने की आवश्यकता नहीं है। जो धार्मिक आयोजन हुए, ऐसी गोष्ठियां होती हैं, इन आयोजनों में सम्मिलित होइए, मंदिरों में जाइए, श्रद्धा भाव बनाइए। हमें टीका लगाने में शर्म आती है महाराज, हम कहीं बाहर में टीका लगाने में शर्म आती है, ये बंद कर दीजिए, अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करिए, अपने धर्म के विज्ञान को समझिए, उनकी पुस्तकें पढ़ना शुरू करिए और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। सबसे बड़ी भ्रांति सनातन धर्म के संग यही हुई है कि जो मन में आता है बोल देता है, क्यों, क्योंकि हम ग्रंथ खोल के देखेंगे, हम उस ग्रंथ में देखेंगे नहीं क्या लिखा है। हमने तो भैया बिहार चोपड़ा की महाभारत देख ली, हम महाभारत के ज्ञाता हो गए, कभी महाभारत वेद व्यास की पढ़ी है, उसको समझा ही नहीं, उसको जाना ही नहीं और आक्षेप करना शुरू कर दे, ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा तभी हम रक्षा कर सकते हैं। जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति, यहाँ तो धोती बांधना की महाराज कला है, यहाँ धोती मैंने बांध की, ऐसी धोती पहन के युद्ध में चले गए तो धोती खुल जाएगी, ऐसी स्थिति है, परंतु जब युद्ध में जा रहा है तो वो ऐसी धोती बांधता है, वो इस कला से बांधता है कि आप हाथी लट जाओ तो भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो भोजन करने में भी कला है, भोजन करने में भी विज्ञान है, हाथों पे भोजन, पत्थरों पे भोजन, क्योंकि उससे पौष्टिकता बढ़ती है, उससे हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। और विषय की बात करें, अपने वक्तव्य को विश्राम देते हुए, अपने वक्तव्य को विश्राम देने से पूर्व एक बार, जैसे व्रत उत्सव है तो व्रत उत्सव में देखिए, हम व्रत करते हैं, आजकल आप जाइए और सर्च करिए इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये चल रहा है, हम योग को नहीं समझ पाए, जब वो योगा हो गया तब हमने समझा है।
जब पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया तब हमने समझा है। आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में गीता पे रिसर्च होती है। अरबी देश रामायण को एक विषय की तरह पढ़ाते हैं, परंतु हम अपने ग्रंथों को स्पर्श करने से दूर लगते हैं। हम अपने ग्रंथों को नहीं सुनते हैं। हमें पता नहीं कौन सी चर्च है। यह सनातन धर्म है जो देता है संदेश वसुदेव कुटुंबकम का। वसुदेव कुटुंबकम सबने सुन रखा है। क्या है कि हम सब मनुष्य मनुष्य ही परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ ये नहीं है इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रत्येक जीव हमारा परिवार है। वो चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनस्पतियां हो और चाहे कीड़ा भी हो। वसुदेव कुटुंबकम का चिंतन कहां तक गया है? वो कह रहा है कि इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला एक कीड़ा भी हमारा परिवार है। ये सनातन धर्म है। यहाँ पर मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्यो देवो भवः, अतिथि देवो भवः, ये भारतीय चिंतन है, ये भारतीय मनीषा है। आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। माता ही भगवान का स्वरूप है, पिता ही भगवान का स्वरूप है, गुरुदेव ही भगवान का स्वरूप है। अन्य कहीं संस्कृति में, अन्य किसी सिविलाइजेशन में इस तथ्य को नहीं पकड़ पाया है जो सनातन धर्म की मनीषा ने पकड़ा है। परंतु हमारा भी यह दुर्भाग्य है कि हम उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे। हम अपने धर्म के गौरव को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सनातन धर्म क्या है तो दो लाइनों के अंदर संक्षिप्त करूं कि सनातन धर्म के अंदर कोई किसी का भक्षक नहीं है, सब एक दूसरे के रक्षक है। सनातन धर्म के अंदर कोई किसी का शोषक नहीं है, सब एक दूसरे के पोषक है। और सनातन धर्म वही है जब शेर और एक मृग एक साथ एक घाट पर आकर जल ग्रहण कर सकते हैं बिना किसी की भय के। यही सनातन धर्म है, यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है। इसी के संग अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व हमारे यहाँ पर खड़े हुए बड़ी देर से इंतजार कर रहे, 5 मिनट के लिए माइक दिया था, अब यहाँ पे फैल गया सामान। अब थोड़ी आदत है फैलाने की, कथा भी फैल जाती है। तो आपको भी खूब आभार, हमारे डॉक्टर साहब सनातन महासभा को खूब आभार, आप सबका खूब आभार महाराज जो आपको हमने सुन लिया, हमको आप सुन पाए, वरना हमको सुन भी नहीं पाता आदमी, वैसे सो जाता है और सोचे सोचे कथा चलती है। तो ऐसे आपने सुना, आप सबको खूब आभार। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां।